everyone, welcome back to Food Mood Original. आज हम बना रहे हैं एक जबरदस्त इटालियन सबवे सैंडविच, चिकन पनीनी सैंडविच। और मजे की बात ये कि हम पनीनी ब्रेड भी खुद बनाएंगे, होल व्हीट यानी रेगुलर जो गंदम का आटा है उसको यूज करते हुए, ताकि आप घर पे इस रेसिपी को फ्रॉम स्क्रैच इजीली बना सकें। सो लेट्स गेट गोइंग। ओके, सो एक मिक्सिंग बाउल में मैं ले रही हूँ एक कप रूटीन में जो हम यूज करते हैं गंदम का आटा, एक टीस्पून चीनी, आधा टीस्पून नमक एंड एक टीस्पून यीस्ट। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें हल्का गर्म पानी डाल के इसको ग्रेजुअली नीड करना शुरू करेंगे। मेक श्योर आपने जो पानी है वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप यूज़ कर सकते हैं। हमने मीडियम सॉफ्ट इसका डो बनाना है। और फॉर योर रेफरेंस मैं आपको बता दूँ, मुझे एक कप आटे के साथ 1/3 कप पानी जो है वो यूज़ करना पड़ा है। यूँ हम इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से गूंद लेते हैं, ये नाइस एंड स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। डो को कर लेते हैं ऑयल में अच्छी तरह से यूँ कोट, और आपने इसको मज़ीद नीड करना है 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि सारा ऑयल जो है वो डो में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए और बिल्कुल सरफेस पे नज़र ना आए। जस्ट लाइक दैट, बस अब डो को थोड़ा सा शेप दे लेते हैं और इसको ग्रीस कर लेते हैं यूजिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कुकिंग ऑयल, और इसको कवर करके रेस्ट देते हैं तकरीबन 1 घंटे के लिए, कीपिंग असाइड एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ मेरे पास है मैरिनेशन के लिए 200 ग्राम्स के करीब बोनलेस चिकन। इसमें डाल रही हूँ मैं आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून गार्लिक पाउडर। आपके पास ना हो तो आप गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा लेमन जूस एंड 1 टेबलस्पून सोया सॉस। Give it a very good toss and marinate for at least 15 to 20 minutes. Alrighty, यहाँ पे हमने लिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसमें हम फ्राई करेंगे अपना मैरिनेटेड चिकन। और हम चिकन को फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट ईच साइड, कीपिंग द फ्लेम मीडियम हाई। देखिए चिकन पे नाइस कलर आ जाएगा तो हम इसके साइड्स फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से कुक करेंगे। जब चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा स्लाइस्ड प्याज और थोड़ी सी बेल पेपर, आप कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं। और इसको हम हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे एंड इट्स ऑल डन। और इधर हो गया है डो को 1 घंटा एंड आवर पनीनी डो इज परफेक्टली रेडी। अब हम इसको करते हैं 3 पोर्शंस में डिवाइड, व्हिच मींस कि आप 1 कप फ्लावर यूज करते हुए 3 सैंडविचेस बना सकते हैं। एक पेड़ा ले लेते हैं, उसको खुशके में अच्छी तरह से कोट करते हैं। सिंस हमने इस डो को ओवल रोल करना है तो हम पहले से ही हाथों से थोड़ा सा इसको ओवल शेप में ले आते हैं और फिर इसको रोल करना शुरू करते हैं। अच्छा, इनको थिक ही रोल करना है, हमने बहुत ज़्यादा पतला या फ्लैट नहीं कर देना क्योंकि इससे हमने पनीनी ब्रेड्स बनानी है। सिमिलर वे में हम दूसरी रोल कर लेते हैं और इनको हम कवर करके रेस्ट देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। और 15 मिनट के रेस्ट के बाद ये रेडी हैं कि हम इनको कुक कर सकें। हम इनको कुक करेंगे बहुत लो हीट पे फॉर 4 to 5 मिनट्स ईच साइड, या जब तक कि बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर दोनों साइड्स पे ना आ जाए। और ये हमारी पनीनी ब्रेड्स बिल्कुल रेडी हैं। आप देख सकते हैं कितनी इवन थिकनेस है हर साइड से। इनको ठंडा होने देते हैं, जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी तो इनको हम सेंटर से स्लाइस करेंगे और इसको एक सैंडविच ब्रेड की फॉर्म में ले आएंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे मेयोनेज, फिर उसके ऊपर आएगा केचप, फिर कुक चिकन, और फिर आएगा चीज़, चीज़ ऑफ योर चॉइस। मैं मोज़रेला स्लाइसेस यूज़ कर रही हूँ। एंड अदर साइड ऑफ द सैंडविच भी हम सिमिलर वे में मेयोनेज एंड केचप स्प्रेड करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। दूसरा भी हम प्रिपेयर कर लेते हैं और इनको हम पैन ग्रिल करेंगे। टिपिकली पनीनी सैंडविच को ग्रिल ही किया जाता है, इसलिए मैं ग्रिल कर रही हूँ। अदरवाइज आप तवे पर भी इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपने नीचे बटर ज़रूर इसके लगाना है। मेरा एक्चुअली बटर ब्रश करने वाला पार्ट कैमरा में शो नहीं हुआ, आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन आपने वो ज़रूर करना है। बस 1 से 2 मिनट ग्रिल करने के बाद आपका चिकन पनीनी सबवे सैंडविच बिल्कुल रेडी है, वो भी होल व्हीट होममेड पनीनी ब्रेड के साथ। तो आप भी इस हेल्दी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें अपना फीडबैक दें कि आपको ये इटालियन सैंडविच कैसा लगा।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना बेल आइकन यानी नोटिफिकेशन बटन ऑन करें ताकि हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।